हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं LPT, दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स और स्पेशली अगर हम बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। इसमें आपको कैसे अपेयर होना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और ये पास करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक का पूरा देखें, कोई भी एक स्टेप आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। व्हाट इज LPT? सो साथियों, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और UT शुड बी प्रोफिशिएंट। इफ आई से प्रोफिशिएंट, इट मीन्स ही शुड वेल वर्स इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफाइड ऑप्टेट लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट विच इज मेंशन्ड अंडर द गिवन वैकेंसी टेबल अगेंस्ट ईच स्टेट ऑब्लिक UT। दोस्तों, आपको पता ही है, जैसे RBI की हम बात करें या हम IBPS की बात करें और अगर हम बात करें SBI, तो इन तीनों के लिए कुछ मापदंड अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे IBPS का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था, इस पर कोई वैकेंसी टेबल दी नहीं गई है। तो ये जो टेबल है, ये बेसिकली आप यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम द SBI 1, राइट। इसमें आप SBI का सहारा ले सकते हैं। SBI के नोटिफिकेशन में मेंशन था, IBPS के कर के नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल भी मेंशन कहीं पे नहीं किया गया था। द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेट लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। इट विल कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। जो कैंडिडेट्स मेन एग्जामिनेशन में सफल हो जाते हैं और उन्होंने किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई किया होता है और उनकी जो है बेसिक लैंग्वेज अगर उन्होंने उसमें प्रोफिशिएंसी नहीं होती है, तो उन लोगों को ये टेस्ट देना होता है, राइट। तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन और मेंस एग्जाम को पास करने के बाद के बीच की एक बाधा होती है, राइट। कैंडिडेट्स हू फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी अलाउड फॉर द फाइनल अपॉइंटमेंट। इसको पास करना जरूरी है, जो इसको पास नहीं कर पाते वो फाइनल अलॉटमेंट नहीं पाते हैं। सो हू हैज टू अपीयर इन LPT? जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें किन लोगों को अपीयर होना पड़ता है? मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, इन सारी क्वेरीज को मैंने क्वेश्चनेयर के फॉर्म में रख लिया है, राइट, और उसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट्स ऑब्लिक सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेट लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। जिन साथियों ने दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रखा है, उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि विच स्टेट यू शुड ऑप्ट एंड व्हाट इज डेमोग्राफिक शिफ्ट। और हाँ, इसमें ये बात है कि अगर जो कैंडिडेट्स, अगर मान लो आप यूपी में रहते हैं या उत्तराखंड में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग फ्रॉम दी महाराष्ट्र, तो आपको वहाँ की जो महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज है, जो कि उनके जो कि एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी मैंशनड होगा, दैट इज़ मराठी, आपको उस पर प्रोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप उसे प्रोफिशिएंट है, उसका प्रूफ है आपके 10th और 12th की मार्कशीट। अगर आपके उतने मार्क्स उसकी मार्कशीट में वो पर्टिकुलर लैंग्वेज मैंशन है, तो देन यू नीड नॉट टू अपीयर फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट, राइट। सो अगला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है विच एजेंसी कंडक्ट्स द LPT। ये एक लोगों का बहुत डाउट रहता है कि कौन सी एजेंसी LPT को कंडक्ट करती है। साथियों, इट इज नॉट, इफ यू टॉक अबाउट IBPS, तो इट इज नॉट कंडक्टेड बाय द IBPS, इट इज कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव बैंक्स, राइट। अगर हम बात करें जैसे PNB हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी बैंक्स ये टेस्ट को जो है अलग अपने हिसाब से करवाते हैं, ये सेंट्रली ऑर्गेनाइज नहीं होता है। LPT इज कंडक्टेड, LPT कब कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो LPT कंडक्ट होता है वो एट द टाइम ऑफ DV होता है, दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम LPT कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। मूविंग अहेड, सो कैन वी अप्लाई फॉर वन और मोर लैंग्वेज, ये एक लोगों का डाउट रहता है कैंडिडेट्स के, इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि सर वहाँ पर दो तीन पर्टिकुलर स्टेट में 2 और 3 लैंग्वेज बोली जाती है, तो क्या हम किसी एक लैंग्वेज के लिए से अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे IBPS में, जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है, बट इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं SBI का जो नोटिफिकेशन 2022-23 का जो नोटिफिकेशन आया था, ये सर्किल वाइज पर डिवाइड किया गया है पूरी कंट्री को, और आप देख पा रहे हैं इनके सामने यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं, जैसे गुजरात फॉर अहमदाबाद सर्किल, राइट। अगर हम बात करें बंगाल, तो यहाँ पे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश ऑब्लिक नेपाली। तो इस हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3-4 लैंग्वेजेस हैं, तो आपको इन लैंग्वेज में से किसी एक में भी अगर आप प्रोफिशिएंट है, राइट, तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम दी बंगाल, मींस आइदर यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन बंगाली, हिंदी, नेपाली और इंग्लिश,
ठीक है, सब में होना जरूरी नहीं है। राइट, अगला क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है वो है एट व्हाट टाइम वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हम तैयारी करना कब से शुरू कर सकते हैं एलपीडी की। तो सबसे इसका सटीक आंसर है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज ये कब होगा इसके बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं है। राइट, और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिन कैंडिडेट्स के मेंस एग्जाम अच्छे जाते हैं और उनका एलपीटी देना है तो मैं कहता हूँ उनके पास टाइम है तो तभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो गए आपका एग्जाम अच्छा गया है कि आपका सक्सेस हो ही जाएगा मेंस में। तो ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, व्हाट इज आस्क्ड इन एलपीटी, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें क्या पूछा जाता है और हमको इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। साथियों देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जनरली होता है, मैंने खुद एलपीटी दिया है और मेरे बहुत सारे साथियों जिन्होंने एलपीटी दे रखा है उनसे मेरी बातें होती रहती हैं, जो निष्कर्ष रूप के निकल के आया है वो ये है कि देखिए आपको जनरली क्या बोला जाता है कि एक तो एलपीटी बहुत हार्ड नहीं होता, मैं आपके आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपको बोला जाता है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको अपना इंट्रोड्यूस करने को बोला जा सकता है, ठीक है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, छोटा पैराग्राफ में भी हो सकता है या आपको लिखवाया भी आ सकता है, ठीक है। एंड द सेकेंड वे यू मे बी गिवन आरसी, ठीक है, एक आपको आरसी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज दिया जाएगा, आपको कुछ पढ़ना होगा पढ़ के उनको सुनाना होगा। अच्छा, कुछ जगह क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का वो न्यूज़पेपर दिया जाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर से आपको पढ़ने को बोला जाता है। समटाइम्स दे आस्क फॉर राइटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ द रिसेंट लेटेस्ट जो न्यूज़ हो जाती है, करंट न्यूज़, राइट, या सेकंड जो मैं बता रहा था राइटिंग करंट न्यूज़ ऑफ द टॉपिक बेस्ड ऑन देम, कुछ आपको टॉपिक दे देंगे चल रहा है अभी हाल फिलहाल में चर्चा में, उसके बारे में आपको कुछ लिखना होता है या कुछ पढ़ के सुनाना होता है, ठीक है। काउंटिंग इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बैंक में आपको डिनोमिनेशन से काम करना है, नंबर्स के हिसाब से आप खेलना है तो आपको काउंटिंग उसके बारे में आना चाहिए, ये जनरली यहाँ पे चेक किया जाता है। राइट, डू कैंडिडेट्स फेल इन एलपीटी, क्या कैंडिडेट्स फेल होते हैं एलपीटी में? तो दोस्तों जनरली नॉट, जनरली नहीं होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही पास हो जाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता क्या। जनरली आप अगर उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आप सफल नहीं हुए हैं उसमें खड़े नहीं उतरे हैं अगर, तो वो आपको 3 or 6 months का एक्सटेंशन देते हैं, बैंक जनरली 3 या 6 months का एक्सटेंशन देता ही है आपको, दोबारा से इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड आपको दोबारा से अपेयर होना पड़ेगा, आपको सफिशियंट टाइम दिया जाता है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप दोबारा से जो है एलपीटी में अपेयर हो सकते हैं। फिर अगर आपका सेक्शन फिर वो सेटिस्फाइड अगर नहीं हो पाते हैं आपकी परफॉर्मेंस से तो फिर आपको फर्दर वो चांस नहीं देंगे। राइट, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था इट डिपेंड्स, जो एलपीटी होगा वो डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बैंक्स अरेंज किए हैं, इट इज अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल्स। सो इफ यू टॉक अबाउट आरबीआई, दोस्तों अगर आपका आरबीआई में एलपीटी देना है यू हैव टू बी वेरी मच प्रोफिशिएंट, आपको उस लैंग्वेज की अच्छी तैयारी करके जानी पड़ेगी क्योंकि इसका नेचर और इसका जो लेवल रहता है वो बड़ा प्लस प्लस लेवल का रहता है। राइट, एंड एसबीआई ठीक ठाक रहता है बट इसके लिए भी आपको पेपर करना पड़ेगा। बट कंपेटिवली इफ यू टॉक अबाउट IBPS क्लर्क एंड RRB क्लर्क LPT, यहाँ थोड़ा सा आपका मौका अच्छा रहता है, मीन्स आपको उतना थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं, ठीक है, आपके बहुत तरीके से आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी चीज़ को समझाने का उनको। राइट, बट दोस्तों अगर आप RBI के लिए अपेयर कर रहे हैं LPT या फिर आप SBI के लिए कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप प्रोफिशिएंट होकर जाएँ, एंड अगेन फर्दर डिपेंड करेगा कि आपका LPT किस राज्य के लिए हो रहा है, ठीक है, कौन सा बोर्ड वहाँ बैठा हुआ है। सो फर्दर आगे बढ़ते हैं, मेरा माई फाइनल एडवाइस टू द एस्पिरेंट्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ यू हैव रिटन मेंस वेल। ओके, आपने अगर अच्छा मेंस लिखा हुआ है, आपको कॉन्फिडेंट है आपकी आपका प्रोफेशन होना ही होना है, आपके गुड मार्क्स आने वाले हैं, तो आप और आप दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना अभी से स्टार्ट कर दीजिए LPT के लिए प्रिपरेशन। राइट, डोंट हैव एनी प्रिजम्पशन इन माइंड पेपर इजी होगा जैसा भी होगा, ठीक है, और अगर आपने एग्जाम क्लियर कर ही दिया है तो आपको तो फिर तो तैयारी पर लगे जाना है। राइट, बी कॉन्फिडेंट, जो भी आपको आ रहा है जितना आपने पढ़ लिया है जितना आपको नॉलेज हुई है इस लैंग्वेज की, उसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, यू हैव टू बी रिप्रेजेंटेड वेरी कॉन्फिडेंटली, जितना आपको पढ़ा है उसको आपको कॉन्फिडेंटली आपको उनको बताना है, इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सेकेंड वन इज दैट हैव गुड कमांड ओवर बेसिक वर्ड्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक वर्ड्स, क्या होता है दोस्तों जैसे हिंदी में रहता है कि हमने पढ़ा होगा बचपन में 12 करी, ठीक है, ओके, तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की 12 कड़ी अच्छी तरह से आना चाहिए, बिकॉज आपको वहाँ बात करनी है बहुत से रूरल बैकग्राउंड के बंदे होंगे तो उनका आपको लैंग्वेज आना चाहिए सही से, आप वहाँ हिंदी के पात्र नहीं बनने चाहिए, ठीक है, या आप कहीं पर पुल्लिंग के जगह स्त्रीलिंग का यूज कर दें, ठीक है, एक वचन बहुवचन जो रहता है सिंगुलर प्लुरल,
सो इट्स वेरी अर्जेंट, ओके, आपको गुड कमांड ओवर द बेसिक वर्ड्स, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा आपकी पोस्टिंग के दौरान भी. लर्न एंड काउंटिंग एंड फैमिलाइज विद दिस डिजिट्स प्रॉपरली इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. दोस्तों अगर आप रिमोट इंडिया के रहने वाले हैं और आपको पोस्टिंग अगर मिल जाती है सपोज करें महाराष्ट्र के मराठा के किसी गाँव में या फिर गुजरात के किसी गाँव में, राइट, या तमिलनाडु में, तो आपको वहाँ की डिजिट, वहाँ की जो रूरल जनता से आपको रूबरू होना पड़ेगा और वो अपने जो आपके फॉर्म्स फिलअप करके लाएंगे ना वो रूरल डिजिट्स डिजिटल वर्ड्स में होंगे, दोस्तों वो अपनी लैंग्वेज यूज करें वहाँ पे, तो आपको वो जानना बहुत जरूरी है वरना उससे आपके काम का बहुत फर्क पड़ेगा. ठीक है, आपको हो सकता है लास्ट बैलेंस चेक ना हो पाए, उन्होंने बोला कुछ और, आप समझे कुछ और, लिखे कुछ और, रूम से कुछ और किया, विड्रॉल कुछ और हुआ, तो इट विल बी डिफरेंट प्रॉब्लम. काउंट अप टू द मार्क. लास्ट माई एडवाइस ये है कि अगर आपको हो सकता है कि एग्जाम आपका अच्छा ना गया हो तो आपको पूरा कॉपरेट करेंगे, आपको पूरा टाइम देंगे, और फिर भी अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको 3 महीने के बाद दोबारा मौका दिया जाएगा, 3 या 6 महीने के बाद. ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, राइट. एंड फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, जिनका भी डीपी होने वाला है भले ही वो SBI का हो या फिर IBPS क्लर्क का हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर DV, प्रिपेयर वेल, गिव योर बेस्ट, रिप्रेजेंट यूर सेल्फ बेस्ट कैंडिडेट ऑन दैट लैंग्वेज. ओके, जो मैंने शिक्षा बात की उसको आप अगर गो थ्रू कर लीजिएगा, आपका जरूर LPT में आप सफल हो जाएंगे. एंड सून एज यू नो वी आर दिस टाइम वी आर ब्रिंगिंग वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटी की मटेरियल इन एजुकेशन फॉर स्पेशली रिगार्डिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे मेटेरियल लेके आएंगे. आशा है आप हमारे प्रयास पसंद आ रहा होगा, आप तेरे को मिले रहें, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है. मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव मीटिंग में. थैंक यू.